गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जय श्री कृष्ण बेटा, हाउ आर यू? गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू ऑल? ओके, फाइन, गुड गुड। जय श्री कृष्णा। हाँ, मेरी क्लास हो गई, ऑफलाइन क्लास हो गई। पहली मेरी ऑफलाइन क्लास थी, अभी अपनी सेकेंड ऑनलाइन क्लास है। फिर इवनिंग में भी ऑफलाइन क्लासेस हैं मेरी। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, सब बहुत बढ़िया रहा, बहुत अच्छी क्लास रही, बहुत अच्छा लगा बच्चों को देखकर। आप लोगों को देख के भी बहुत मजा आएगा। अभी काफी स्टूडेंट्स आ गए हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, मोस्ट वेलकम बेटा। सब लोगों का इंतजार है यहाँ पर, आप लोगों का ना, ठीक है? बहुत बढ़िया, मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। जरूर जरूर जरूर, आई एम वेटिंग टू मीट यू पीपल। बच्चे थे, काफी थे बेटे। एक्चुअली क्या है कि बहुत सारे एक साथ नहीं बैठे थे, अपन ने बाइफर्केशन कर रखा है, तो सोशल डिस्टेंसिंग के साथ बैठे हुए थे। और बहुत अच्छी क्लास रही, बहुत मजा आया। बोर्ड पे अलग से मजा आता ही है पढ़ाने का, आप लोग जानते हैं। क्लास में एक इंटरेक्टिव माहौल रहता है, क्लास में रहते हैं तो, है ना, बहुत अच्छा था। आप लोग आओगे तो और मजा आएगा, मिलेंगे अपन लोग, है ना। हाँ हाँ, बहुत बढ़िया। चलो, लास्ट क्लास में जो पढ़ाया था उससे अपन शुरू करें आगे, है ना। लास्ट क्लास में हाइपर कॉन्जुगेशन पढ़ रहे थे हम, है ना। उसमें हमने एप्लीकेशन पढ़ेंगे हम लोग। एप्लीकेशन से पहले हमने लास्ट क्लास में जो पढ़ा था उसको एक बार ले लेता हूँ। एच इफेक्ट बेंजीन का ये बताया था, ये तो आ गया होगा समझ में। हाइपर कॉन्जुगेशन परमानेंट इफेक्ट होता है। अच्छा, ये जो स्लाइड थी इसमें कोई डाउट है किसी को? ये जो स्लाइड दी हुई थी, लास्ट स्लाइड, इसका बताओ, इसमें कोई डाउट है बेटा? ओके ओके, वेलकम यू ऑल, है ना। बिल्कुल, मैं वेट कर रहा हूँ आप लोगों से मिलने का। तो इस स्लाइड में सबसे पहली बात, कार्बोकैटायन के पास वाला कार्बन अल्फा कार्बन का हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन यहीं पर कॉन्जुगेशन करेगा, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज के पास वाला ही कार्बन अल्फा कार्बन, उससे अटैच ड्यूटेरियम अल्फा ड्यूटेरियम, तो ये भी हाइपर कॉन्जुगेशन करेगा। इसका मतलब ये क्वेश्चन एक्चुअली दिया हुआ है, CH2 पॉजिटिव CH3, और एक अपन को कंपेयर करना है CH2 पॉजिटिव CD3। और अगर ये क्वेश्चन अपन प्लस आई इफेक्ट से करते तो अपना आंसर क्या आता? 2 इज मोर स्टेबल देन 1। लेकिन अगर प्लस एच इफेक्ट से करेंगे तो इसका ऑर्डर क्या आएगा? 1 इज मोर स्टेबल देन 2। अब एक बात बताओ, एच इफेक्ट इज मोर डोमिनेटिंग और आई इफेक्ट इज मोर डोमिनेटिंग, कौन सा इफेक्ट ज्यादा डोमिनेटिंग होता है? Which is more dominating effect, H effect और I effect में compare कर रहे हैं H effect, क्योंकि H effect में complete transfer होता है, I effect में shifting होती है। इसका मतलब जब मैं question solve करूँगा तो H effect से question solve होगा, इसलिए हम बोलेंगे stability में ये जो first है that is more stable than second। समझ में आया होगा, है ना। तो ये अगर इससे I effect से करते हैं तो अपना answer गलत होने वाला है ऐसा। तो इसलिए अगर H effect और I effect दोनों present होते हैं तो question actually किससे करना चाहिए? एच इफेक्ट से करना चाहिए, आई इफेक्ट से नहीं करना चाहिए। क्लियर हो गया होगा। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन था उसमें उनको कार्बोकैटायन दिया है, ये कार्बोकैटायन से 3 हाइड्रोजन अटैच है, बताओ कोई अल्फा कार्बन है क्या? कोई अल्फा कार्बन है क्या इसमें? नेक्स्ट वाले में, नेक्स्ट जो कार्बोकैटायन है उसमें भी अल्फा कार्बन नहीं है, तो इसका मतलब अल्फा कार्बन नहीं है तो इसमें हाइड्रोजन, ठीक है, उससे क्वेश्चन करेंगे। एच इफेक्ट से क्वेश्चन नहीं होगा, ये आई इफेक्ट का क्वेश्चन है, क्योंकि अल्फा कार्बन ही नहीं है तो अल्फा हाइड्रोजन की बात ही नहीं करेंगे। तो इसका मतलब ये जो क्वेश्चन है ये अपन को किससे करना चाहिए? प्लस आई इफेक्ट से। तो इसमें ड्यूटेरियम, 3-3 ड्यूटेरियम का क्या लग रहा है? प्लस आई इफेक्ट लग रहा है, या एच का कोई इफेक्ट नहीं होता, इसका मतलब CD3+ इज मोर स्टेबल देन CH3+। समझ में आया होगा ये क्वेश्चन? समझ में आया क्वेश्चन? आगे बढ़े, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। और नेक्स्ट एप्लीकेशन ऑफ एच इफेक्ट, एच इफेक्ट की एप्लीकेशन देखने वाले हैं। एच इफेक्ट के एप्लीकेशन में सबसे पहला एप्लीकेशन है बॉन्ड लेंथ। हमको L1, L2 और L3 बॉन्ड लेंथ में कंपैरिजन करना है। जब हम L1, L2 और L3 बॉन्ड लेंथ में कंपैरिजन कर रहे हैं तो उसमें हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ L1 डबल बॉन्ड दिया हुआ है, L2 भी डबल बॉन्ड दिया हुआ है,
और L3V डबल बॉन्ड दिया हुआ है, ठीक है। तो अगर मुझे इसमें कंपैरिजन करना है बॉन्ड लेंथ का, तो उस केस में देखो अब इसमें क्या करेंगे अपन, इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे। अब फर्स्ट में तो हाइपर कॉन्जुगेशन है ही नहीं, जीरो अल्फा एच है, हाइपर कॉन्जुगेशन करेंगे भाई रेजोनेंस तो हो नहीं रहा है क्योंकि मुझे रेजोनेंस की कोई कंडीशन नहीं दिख रही है। तो अपन क्या करते हैं इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर की बात करेंगे। तो इसमें यहाँ पर जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर है इसमें एच जो है ये सिग्मा बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन देगा। देखो ये जो है एच वो सिग्मा बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन देगा, और सिग्मा बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन देगा मतलब ये सिंगल बॉन्ड किसमें कन्वर्ट होगा डबल बॉन्ड, और ये डबल बॉन्ड किसमें कन्वर्ट होगा सिंगल बॉन्ड। तो इसका हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर बनाएंगे तो क्या बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CH CH2, कैसा चार्ज आएगा नेगेटिव चार्ज, एच ने सिग्मा बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन दे दिए, एच पर कैसा चार्ज आया पॉजिटिव चार्ज आया, ठीक है ना। तो ये इसका हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर बन गया। कितने अल्फा हाइड्रोजन थे इसमें, 3 अल्फा हाइड्रोजन गिवन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं L3 के रेस्पेक्ट में, तो यहाँ कितने अल्फा हाइड्रोजन है 6 अल्फा हाइड्रोजन है, ये भी अल्फा कार्बन है, ये भी अल्फा कार्बन है, तो ये भी हाइपर कॉन्जुगेशन करेगा। जैसे ही हाइपर कॉन्जुगेशन करेगा अपन इसका हाइपर कॉन्जुगेशन के रेस्पेक्ट में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं। हमने इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाया, ये मैं इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यहाँ बना रहा हूँ, क्या बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CH2, कैसा चार्ज नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर क्या लिखा हुआ था CH3, एच ने इलेक्ट्रॉन दिए तो एच पर कैसा चार्ज पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब आप ऑब्जर्व करो यहाँ पर जैसे ये स्ट्रक्चर बनाया तो अपन ने क्या देखा, यहाँ पर ये आपका सिंगल बॉन्ड जो डबल बॉन्ड था वो किसमें कन्वर्ट हो रहा है सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो रहा है। जब डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा तो डबल बॉन्ड था किसमें कन्वर्ट हो रहा है सिंगल बॉन्ड में, किसकी वजह से हो रहा है एच इफेक्ट की वजह से हो रहा है। तो एच इफेक्ट की वजह से डबल बॉन्ड जो है वो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो रहा है, इसका मतलब बॉन्ड लेंथ पे क्या इफेक्ट आएगा वो इंक्रीज होगी, क्योंकि ये जो डबल बॉन्ड है वो सिंगल में कन्वर्ट हो रहा था, और सिंगल बॉन्ड में पड़ा था सबसे बड़ा बॉन्ड होता है सिंगल बॉन्ड, फिर कौन सा होता है पार्शियल डबल बॉन्ड, फिर कौन सा होता है डबल बॉन्ड, और सबसे छोटा कौन सा होता है ट्रिपल बॉन्ड, ऐसे ही पढ़ा था ना मैंने। तो इसका मतलब जिसमें हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा होगा उसमें बॉन्ड लेंथ जो है वो सिंगल बॉन्ड में ज्यादा कन्वर्ट होगा, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड का L3 में सबसे ज्यादा सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा भाई, जिसमें चेंज होता है वो वाला कैरेक्टर आता है, ठीक है, जिसमें चेंज होता है वो वाला कैरेक्टर आता है। तो डबल बॉन्ड किसमें चेंज हो रहा है सिंगल बॉन्ड में, तो सिंगल बॉन्ड का कैरेक्टर आएगा, और सिंगल बॉन्ड का कैरेक्टर ज्यादा आएगा तो बॉन्ड लेंथ क्या होगी ज्यादा, इसलिए बोल सकते हैं बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर आया सबसे बड़ा बॉन्ड लेंथ कौन सा आया L3, फिर कौन सा आया L2, और फिर कौन आया L1, क्योंकि L1 कभी भी सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट ही नहीं होगा, ठीक है ना, L1 हमेशा डबल बॉन्ड ही रहेगा क्योंकि कोई हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं है। इसलिए हमने क्या ये जो कॉन्सेप्ट है उसको लिख दिया नोट में, ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन डबल बॉन्ड गेट सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर, मोर इज द हाइपर कॉन्जुगेशन मोर विल बी द सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर, और जब मोर सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर होगा तो मोर विल बी द बॉन्ड लेंथ। तो इसका मतलब मेरा बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर क्या आया L3 सबसे ज्यादा, फिर L2, फिर L1। सबको समझ में आया होगा होपफुली, समझ में आया, आगे बढ़े, ठीक है ना, चलो बहुत बढ़िया। कोई डाउट इसमें, कोई डाउट ओके चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एप्लीकेशन लिखते हैं स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। अब देखो अगर मुझे कभी भी एल्कीन का स्टेबिलिटी देखना है तो एल्कीन की स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होती है एच इफेक्ट और नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है ना। इसके अलावा अगर एल्कीन रेजोनेंस करता है तो रेजोनेंस के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, अगर कोई एल्कीन रेजोनेंस में इन्वॉल्व है तो वो ज्यादा स्टेबल होगी उस एल्कीन से जिसमें हम रेजोनेंस कैन टेक पार्ट इन सिग्मा बॉन्ड, इसलिए उसी इफेक्ट को अपन हाइपर कॉन्जुगेशन कहते हैं। आर्यन जिसमें सिग्मा बॉन्ड का रेजोनेंस होता है उसी का नाम पड़ा एच इफेक्ट, ठीक है ना, ओके। तो स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एच इफेक्ट नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, इसके अलावा रेजोनेंस, अगर कोई एल्कीन रेजोनेंस कर रही है तो वो ज्यादा स्टेबल होगी एज कंपेयर टू वो एल्कीन जो रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है, क्योंकि हमने पढ़ा है रेजोनेंस का इफेक्ट ज्यादा होता है एच का इफेक्ट कम होता है, और सबसे कम इफेक्ट कौन सा होता है आई का, पढ़ाया बनने लास्ट पिछले क्लासों में पढ़ाया बनने, ठीक है। चलो फिर इस पर बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं, सब लोग ऑब्जर्व करना। अगर मुझे स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन का क्वेश्चन करना है और मुझे ये दोनों दिए हुए हैं तो देखो अब डबल बॉन्ड के रेस्पेक्ट में कोई रेजोनेंस स्ट्रक्चर तो है नहीं, इसमें दोनों में कोई कंडीशन नहीं है रेजोनेंस के, इसका मतलब ये क्वेश्चन में अपन को क्या देखना पड़ेगा एच इफेक्ट देखना पड़ेगा। तो डबल बॉन्ड के बाद वाला ये कार्बन हो गया अल्फा, 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 तो अल्फा कार्बन हो गए, ठीक है। उसके बाद ये कार्बन कैसा है नेक्स्ट में देखते हैं, तो यहाँ कितने पहले वाले में कितने अल्फा हाइड्रोजन है 12 अल्फा हाइड्रोजन आ रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट में देखते हैं ये अल्फा कार्बन है, ये अल्फा कार्बन है, ये अल्फा कार्बन है,
कितने अल्फा हाइड्रोजन आ रहे हैं यहाँ पर, कितने अल्फा हाइड्रोजन हो गए, 9 अल्फा हाइड्रोजन हो गए, ठीक है ना। अब अगर आगे देखें तो अगर ए और बी में कंपेयर कर, मान लेते हैं ये ए है और ये बी है, तो हम बोलेंगे ज्यादा स्टेबल कौन हुआ, ए इज स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन का ऑर्डर आया, ए इज मोर स्टेबल देन बी, कह सकते हैं क्या बेटा, कह सकते हैं ना, ए इज मोर स्टेबल देन बी। समझ में आ गया कैसे करा मैंने, समझ में आ गया, ठीक है चलो। अब अगर मुझे कंपेयर करना है, मान लो मुझे नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये फर्स्ट क्वेश्चन मान लेते हैं, इसको सेकंड क्वेश्चन मान लेते हैं ना, दिस इज द सेकंड क्वेश्चन। तो अगर इस क्वेश्चन को बात करें हम, नेक्स्ट क्वेश्चन, आइसोब्यूटाइलिन दिया हुआ है, ट्रांसब्यूटिन दिया हुआ है, सिस्टोब्यूटिन दिया हुआ है, तो अगर इस आइसोब्यूटाइलिन की बात करें तो इसमें जो अल्फा कार्बन, दिस इज अल्फा कार्बन, दिस इज अल्फा कार्बन, कितने अल्फा हाइड्रोजन हुए, 6 अल्फा हाइड्रोजन हुए। नेक्स्ट वाले में देखेंगे तो नेक्स्ट में कितने अल्फा हाइड्रोजन हो रहे हैं, 6 अल्फा हाइड्रोजन हो रहे हैं, नेक्स्ट में कितने हो रहे हैं, 6 अल्फा हाइड्रोजन हो रहे हैं, क्योंकि ये अल्फा कार्बन है, ये अल्फा कार्बन है, यहाँ पर भी अल्फा कार्बन मार्क कर दिया, तो सभी में 6 अल्फा हाइड्रोजन आ रहे हैं। तो अब इसमें कॉन्सेप्ट क्या है, अगर मान लो नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन डिफरेंट हुए तो डेफिनेटली अपन ऊपर की तरह कर लेंगे, जिसमें अल्फा हाइड्रोजन सेम होंगे उसकी स्टेबिलिटी, जिसके अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होंगे उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा, जिसमें अल्फा हाइड्रोजन कम होंगे उसकी स्टेबिलिटी कम, ऐसा, ठीक है ना। लेकिन अगर अल्फा हाइड्रोजन आपके सेम हो गए तो क्या करेंगे, उस पर बेस्ड क्वेश्चन है, मतलब ये अच्छा क्वेश्चन हो गया कि अल्फा अल्फा हाइड्रोजन सेम हो गए तो हमको क्या करना पड़ेगा। तो आप लोग सब ऑब्जर्व करना, सबसे पहली बात, ये जो आपका ग्रुप है CH3 डबल बॉन्ड CH3, ये मॉलिक्यूल जो है सिस, देखो सिस मॉलिक्यूल में क्या है, सिस में ये जो दोनों मिथाइल ग्रुप हैं, ये मिथाइल ग्रुप और ये मिथाइल ग्रुप, ये दोनों सेम साइड हैं, सेम साइड होने की वजह से यहां पर होता है रिपल्शन, क्या होता है यहां पर, रिपल्शन होता है, ठीक है, जिसकी वजह से यहां पर ये जो सिस एल्कीन है, दिस इज लेस स्टेबल देन ट्रांस, क्योंकि ट्रांस में जो दोनों मिथाइल ग्रुप हैं ये दोनों अपोजिट साइड है, अपोजिट साइड होने की वजह से ये रिपेल ही नहीं करेंगे, जब दोनों सेम साइड से होंगे तो उसके इसमें रिपल्शन होगा, रिपल्शन होगा तो स्टेबिलिटी क्या होगी, कम, तो यहां पर हो रहा है रिपल्शन, किसका रिपल्शन है, रिपल्शन ऑफ मिथाइल ग्रुप, ठीक है। अब यहां पर ट्रांस में रिपल्शन होगा क्या, नहीं होगा, इसका मतलब सिस और ट्रांस में कंपेयर करेंगे तो कौन ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, ट्रांस इज मोर स्टेबल देन सिस, तो एक पॉइंट निकल गया है यहां पर कि ट्रांस जो है वो ज्यादा स्टेबल होगा, सिस कम स्टेबल होगा, ठीक है, समझ में आएगी ये बात, ट्रांस ज्यादा स्टेबल क्यों होगा, क्योंकि ट्रांस जो है उसके अंदर, पानी ना गिलास मिला, ठीक है, तो ट्रांस इज मोर स्टेबल देन सिस, तो ट्रांस जो है उसमें ऑब्जर्व करो आप लोग, ट्रांस में रिपल्शन नहीं है क्योंकि अपोजिट साइड में है, सिस जो है उसमें आपका सेम साइड में है, इसलिए रिपल्शन जो होगा वो ज्यादा होगा, ट्रांस में रिपल्शन नहीं होगा, तो ट्रांस इज मोर स्टेबल देन सिस, ये एक पॉइंट निकल के आया इस एग्जाम्पल से कि ट्रांस एल्कीन इज मोर स्टेबल देन सिस एल्कीन, ठीक है, पहला पॉइंट तो ये। अब डायपोल का क्वेश्चन नहीं है, डायपोल का क्वेश्चन नहीं है ना, ठीक है, अब ऑब्जर्व करना, अब कैसे करेंगे भाई, अभी सेम हो गया, अब क्या करें, अब ध्यान देना, नेक्स्ट वन, अगर अल्फा हाइड्रोजन सेम हो गया, अभी भी डिफरेंस नहीं आ पा रहा है, ट्रांस और सिस में तो कंपेयर कर पाए, लेकिन ये आइसोब्यूटाइलिन है इसका कंपैरिजन नहीं आ रहा है, तो अब क्या करेंगे, अब करेंगे हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर बनाएंगे, ये सिग्मा बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन देगा और ये इलेक्ट्रॉन ले लेगा, जैसे सिग्मा बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन देगा और ये इलेक्ट्रॉन लेगा तो आपका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये बन जाएगा, दिख रहा है आपको, सिग्मा बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन दिया ये नेगेटिव चार्ज आएगा, ठीक है, सिंगल बॉन्ड किसमें कन्वर्ट हुआ, डबल बॉन्ड में, डबल बॉन्ड किसमें कन्वर्ट हो गया, सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया, तो आपका ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गया इसमें। अब आगे बात करते हैं, अगर हम ट्रांस की बात करें तो ट्रांस में सिग्मा बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन दिया और ये इलेक्ट्रॉन यहां चले गए, तो आपका जो स्ट्रक्चर है उसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये बना। अब आप ऑब्जर्व करना सब लोग, आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर समझ में आया, ये जो अल्फा हाइड्रोजन है ये हाइपर कॉन्जुगेशन कर रहा है, तो अल्फा हाइड्रोजन हाइपर कॉन्जुगेशन कर रहा है, तो हमने हाइपर कॉन्जुगेशन के रिस्पेक्ट में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाया है। तो अब ये मैं क्या सिखाना चाहता हूं आपको, अगर अल्फा हाइड्रोजन सेम हो गया, अगर अल्फा हाइड्रोजन सेम हो गया तो उस केस में हम क्वेश्चन कैसे करने वाले हैं, उसका कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं, कॉन्सेप्ट समझेंगे उसके बाद मैं आपको लिखाऊंगा, यहाँ कॉपी में ना नोट लिखेंगे, ठीक है, सब लोग ध्यान देगा। तो हुआ क्या, जैसे मैंने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाया तो आप देखो यहां पर कार्बेनाइन बन रहा है, ठीक है, अब ये जो कार्बेनाइन है उस कार्बेनाइन में नेगेटिव चार्ज आ रहा है, ठीक है, तो यहां पर ये जो मिथाइल है वो उसका लगा रहा है प्लस, इंटरमीडिएट कार्बेनाइन बन रहा है,
नेक्स्ट अगर मैं ट्रांस के रेस्पेक्ट में जो हाइपर कॉन्जुगेट सिस्टम बनाया है उसमें देखूं तो यहां पर भी प्लस इफेक्ट लग रहा है मिथाइल का, ठीक है ना। अब आप ऑब्जर्व करना, ये जो मिथाइल ग्रुप है जो प्लस आई इफेक्ट लगा रहा है, ये वाला मिथाइल प्लस आई लेकर लगा रहा है, और यहाँ जो मिथाइल प्लस आई इफेक्ट लगा रहा है, आपको क्या लगता है इन दोनों में से किसका ज्यादा प्लस आई लग रहा है, राइट साइड वाले का या लेफ्ट साइड वाले, किसका प्लस आई ज्यादा लग रहा है, राइट साइड वाले का या लेफ्ट साइड वाले का? कार्बन एन स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, में पढ़ा था माइनस आई की होती है, इनवर्सली होती है प्लस आई, ठीक है। तो इसका मतलब राइट वाला जो है उसमें देखो जिस कार्बन नेगेटिव चार्ज है उसी पर मिथाइल है, हमने पढ़ा था आई इफेक्ट डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है, पढ़ा था हमने आई इफेक्ट जो होता है वो डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है, तो राइट वाला जो है उसका प्लस आई यहां पर क्या हुआ, प्लस आई क्या लगा, मोर प्लस आई, क्यों, क्योंकि यहाँ डिस्टेंस कम है, और यहाँ पे जो प्लस आई लगा वो कैसा लगा, लेस प्लस आई। तो भाई जिसमें प्लस आई इफेक्ट ज्यादा लगेगा उसका कार्बन आयन क्या हो जाएगा, लेस स्टेबल, जिसमें प्लस आई ज्यादा लेस स्टेबल कार्बन आयन, लेस स्टेबल कार्बन आयन, यहां हो जाएगा अपना मोर स्टेबल कार्बन आयन, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो अपना आइसोब्यूटाइलिन है उसमें बनने वाला रेजोनेंट स्ट्रक्चर में कार्बनाइन ज्यादा स्टेबल बन रहा है, दूसरे वाले में ट्रांस वाले में कार्बनाइन लेस स्टेबल बन रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर अब हम स्टेबिलिटी की बात करते हैं तो स्टेबिलिटी ऑर्डर आया सबसे ज्यादा स्टेबल हुआ अपना कौन सा, अगर ये ए है ये बी है और ये सी है तो सबसे ज्यादा स्टेबल हो गया ए, फिर उसके बाद कौन हुआ बी, और फिर कौन हुआ सी, क्यों, कैसे पता चला, कैसे पता चला, तो हम कॉन्सेप्ट ये पढ़ रहे हैं कि अगर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन सेम हो जाएं तो हम क्या करेंगे, हम हाइपर कॉन्जुगेशन से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे, और उसमें जो कार्बेनाइन बनेगा वो कार्बेनाइन से स्टेबिलिटी कंपेयर कर लेंगे। क्या आपको ये बात समझ में आई, क्या आपको ये बात समझ में आई, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन सेम होंगे तो क्या करेंगे, इसका अपन ने पॉइंट पढ़ा बनना, ठीक है। अब चलो अब अपन क्या करते हैं, इस पॉइंट को लिख लेते हैं ना, क्योंकि क्या होता है भाई ये पॉइंट, हाँ बिल्कुल बिल्कुल यही शॉर्ट ट्रिक है इसकी, है ना, यही वाली शॉर्ट ट्रिक बताइए आपको। चलो फिर इस पॉइंट को लिखते हैं, लिखो, चलो लिखना शुरू करो। इफ नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इज सेम, इफ नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इज सेम देन वी ड्रॉ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। When if number of alpha hydrogen is same, then we draw resonating structure with respect to H effect. If number of alpha hydrogen is same, then we draw resonating structure with respect to H effect. With respect to H effect. With respect to H effect. And then compare. And then compare stability of carbenine, and then compare stability of carbenine in it, and then compare stability of carbenine in it, and then compare stability of carbenine in it. And then compare stability of carbenine in it. And then compare stability of carbenine in it. Done. वापस से revise करता हूं एक बार फिर से, हमने जो लिखा है एक बार पढ़ लेते हैं। सलोनी ऐसे नहीं करते ना, इसलिए तो सिखाया ये point, है ना, इस तरह से नहीं करते कि same side है रिपेल करेंगे, नहीं ऐसे नहीं करते, किस तरह से क्वेश्चन करते हैं उसका पॉइंट लिखा है। चलो वापस रिवाइज करता हूं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, बिल्कुल ये अच्छा क्वेश्चन था, ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है ना, ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो वापस से एक बार रिवाइज करते हैं, क्या पॉइंट था, अगर कभी नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन सेम हो जाए, ठीक है, इफ नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इज सेम देन वी ड्रॉ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर विद रेस्पेक्ट टू एच इफेक्ट। हमने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे
विद रेस्पेक्ट टू एच इफेक्ट, और उसमें जो कार्बेनन बनेगा उसकी स्टेबिलिटी कंपेयर कर लेंगे, एंड देन कंपेयर स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनन फॉर्म्ड इन इट, एंड देन कंपेयर स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनन फॉर्म्ड इन इट। सबको समझ में आएगा मोस्ट प्रोबेबली। तो दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, और ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन निकला, एग्जाम में आया हुआ था, तो आप इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, मैंने स्टार लगा दिया, ठीक है ना। सबको समझ में आया, आगे बढ़े बेटे, आगे बढ़े, ठीक है। तो अपन कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं कि क्वेश्चन में अगर ऐसा हो जाएगा तो क्या करेंगे भाई, डिफरेंट नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन में तो डेफिनेटली सब लोग कर लेंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ये दिया हुआ है, ठीक है ना। अब आप ऑब्जर्व करो इसको और जल्दी से मुझे इसमें बताओ, अगर ये ए है, ये बी है और ये सी है, तो ए में कितने अल्फा हाइड्रोजन होंगे। हाँ यही पढ़ाया है क्लास में, बिल्कुल बिल्कुल सेम पढ़ा रहे हैं, ठीक है सुशांत, सेम पढ़ा रहे हैं। चल जल्दी से क्वेश्चन कर ले बेटे, है ना। हाँ ए में डबल बॉन्ड अपन ने मार्क कर लिया, डबल बॉन्ड को हाईलाइट कर लो, डबल बॉन्ड के एडजेसेंट कार्बन जो होता है दैट इज अल्फा कार्बन, तो डबल बॉन्ड हमने मार्क कर लेते हैं, दिस ये डबल बॉन्ड, इसके रेस्पेक्ट में ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, इसके बाद वाला कौन कौन सा कार्बन है दैट इज अल्फा कार्बन, है ना। तो चलो अल्फा कार्बन मार्क करते हैं, ये अल्फा, ये भी अल्फा, ये भी अल्फा, ये भी अल्फा, ये अल्फा कार्बन मार्क करा, ठीक है। यहाँ पर डबल बॉन्ड के रेस्पेक्ट में ये अल्फा हो गया, ये अल्फा हो गया, ये अल्फा हो गया। नेक्स्ट में देखें तो यहाँ पर ये अल्फा हो गया और ये अल्फा हो गया, ठीक है ना। अब जब अल्फा कार्बन मार्क कर लिया तो अल्फा हाइड्रोजन काउंट कर लेते हैं, कर लें काउंट, ठीक है। चलो काउंट करते हैं, फर्स्ट में बताओ कितने अल्फा हाइड्रोजन है, ए में कितने अल्फा हाइड्रोजन, ए में यहाँ चार बॉन्ड बनाता है कार्बन, तो यहाँ दो हाइड्रोजन है, यहाँ पर दो हाइड्रोजन है, यहाँ पर एक बॉन्ड है तो तीन हाइड्रोजन होंगे, यहाँ पर एक बॉन्ड है तो थ्री हाइड्रोजन होंगे, तो टोटल कितने अल्फा हाइड्रोजन हुए, 10 अल्फा हाइड्रोजन। सबका 10 आ रहा है, सबका 10 आया, गुड गुड। नेक्स्ट में देखते हैं, यहाँ पर तीन बॉन्ड है तो एक हाइड्रोजन होगा, यहाँ दो बॉन्ड है तो दो हाइड्रोजन होंगे, और यहाँ एक बॉन्ड है तो कितने हाइड्रोजन, तीन हाइड्रोजन। टोटल कितने अल्फा हाइड्रोजन, 1 और 2 3 3 प्लस 3 6 6 अल्फा हाइड्रोजन आ रहे हैं, सेम आ रहा है अपन का, बहुत बढ़िया, क्या बात है यार, बहुत बढ़िया, शाबाश। ये अगला देखते हैं, नेक्स्ट में ये यहाँ पर दो हाइड्रोजन और यहाँ कितना हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, ठीक है ना, ठीक है। अब कितने अल्फा हाइड्रोजन हो गए, 3 अल्फा हाइड्रोजन हो गए, सबका सेम आया। चलो क्या कहते हो, सबसे ज्यादा स्टेबल, स्टेबिलिटी ऑर्डर, सबसे ज्यादा स्टेबल हो गया मेरा ए, ए के बाद क्या आया, बी, बी के बाद क्या आया, सी, शानदार, बहुत बढ़िया, काउंटिंग सही, आंसर सही, काउंटिंग सही, आंसर सही, मजेदार क्वेश्चन, काउंटिंग सही हुई तो आंसर सही हो जाएगा, है ना, सिंपल था, बहुत बढ़िया। अरे वाह, ऐसे सिंपल सिंपल क्वेश्चन, ठीक है ना। ओहो थोड़ा सा ओवरलैपिंग हो रही है, चलो मैं इसको थोड़ा साइड में लिख देता हूँ, इसको ओवरलैपिंग नहीं होगी, है ना, या 10 अल्फा एच पर, ठीक है ना। हाँ जी, अब चलो बताओ नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हो, ए ओ बी, ए बी कौन ज्यादा स्टेबल, ए बी कौन ज्यादा स्टेबल, फर्स्ट में रेजोनेंस है, दिख रहा है क्या, नेक्स्ट में रेजोनेंस है क्या, नहीं कोई रेजोनेंस नहीं है, इसका मतलब अगर ये ए है और ये बी है, क्या कहते हो, स्टेबिलिटी आया, ए इज मोर देन बी, एच इफेक्ट देखना ही नहीं है, क्यों नहीं देखना, हाँ मैं ही पढ़ूंगा बेटा, सब मैं ही पढ़ूंगा, है ना, चिंता नहीं करो। चलो अब बताओ मुझे, ए और बी समझ में आया, कौन ज्यादा स्टेबल है, ए ज्यादा स्टेबल हुआ, समझ में आया ना, रेजोनेंस पहले देखना है, क्या बात है, जो बच्चा यही बात पकड़ पाएगा ना उसका क्वेश्चन सही होगा। नंबर ऑफ पाई बॉन्ड जो है वो रेजोनेंस कर रहे हैं, ए और बी में डिफरेंस यही है, पहले में रेजोनेंस है, एच इफेक्ट बाद में, रेजोनेंस इज डोमिनेटिंग, देन एच इफेक्ट से डोमिनेटिंग रेजोनेंस होता है, बिल्कुल सही बात, क्या बात है। चलो अगला क्वेश्चन, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा मैंने, ऑब्जर्व करो। अब देखो अगले क्वेश्चन में एक बात बतानी थी, इसमें इंफॉर्मेशन वाला क्वेश्चन है, अगर पाई बॉन्ड रेजोनेंस करते होते हैं तो उसे बोलते हैं कॉन्जुगेटेड एल्काडाइन, अगर लगातार होते हैं तो बोलते हैं क्यूमुलेटिव, क्यूमुलेटिव मतलब लगातार, और जब रेजोनेंस नहीं करते हैं तो बोलते हैं आइसोलेटेड डाइपोल, ठीक है ना।
आइसोलेटेड। हाँ ऑफलाइन में मैं ही पढ़ा रहा हूँ बेटा, मैं ही पढ़ा रहा हूँ, मैं ही मिलूंगा तुम लोग, है ना किशन। चलो ये तो देखो कॉन्जुगेटेड का मतलब क्या होता है, कॉन्जुगेटेड डाइन मतलब जो रेजोनेंस कर रहा है, आइसोलेटेड मतलब बहुत दूर दूर है, क्यूमुलेटिव मतलब एडजस्टेंट मतलब डबल बॉन्ड के बाद डबल बॉन्ड आएगा, डबल बॉन्ड के बाद डबल बॉन्ड लगातार आएगा, इसमें स्टेबिलिटी नहीं बताना, ठीक है इसमें स्टेबिलिटी नहीं बताना है, इसमें क्वेश्चन जो है इसमें क्या कौन सा कॉन्जुगेटेड है कौन सा आइसोलेटेड है ये इंफॉर्मेशन वाला क्वेश्चन है, ये स्टेबिलिटी वाला क्वेश्चन नहीं है, इसमें स्टेबिलिटी नहीं करना है अपन को। और डेफिनेटली कॉन्जुगेटेड हमेशा ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है ना, कॉन्जुगेटेड हमेशा ज्यादा स्टेबल होगा इससे आइसोलेटेड या क्यूमुलेटिव, क्योंकि कॉन्जुगेटेड जो है उसके अंदर रेजोनेंस होता है, पता है ना ये तो अपन को, है ना पता है ना अपन को ये, बहुत बढ़िया गुड। चलो फिर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ना, ठीक है। अब एक टॉपिक आता है हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन, है ना, ये एल्कीन की स्टेबिलिटी से रिलेटेड पॉइंट है, ध्यान देना। अगर कोई एल्कीन है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है वो सैचुरेटेड में कन्वर्ट होता है, तो आपने को टेंथ में एक डेफिनेशन पढ़ी थी, द प्रोसेस थ्रू विच अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इज कन्वर्टेड इनटू सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इज नोन एज हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन। हाइड्रोजिनेशन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को सैचुरेटेड में कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस होता है उसे बोलते हैं हाइड्रोजिनेशन। अब ये जो हाइड्रोजिनेशन जो होता है इसमें जो एनर्जी रिलीज होती है उसे बोलते हैं हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन, क्या बोलते हैं उसे, इंग्लैंड में पढ़ी थी, बहुत बढ़िया, इतनी पुरानी बातें तुम याद रखते हो ना मेरा दिल खुश हो जाता है वैसे तो गुड। चलो, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग कंप्लीट हाइड्रोजिनेशन ऑफ वन मोल ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इनटू सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इन प्रेजेंस ऑफ मेटल कैटलिस्ट इज नोन एज हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन, ठीक है। जैसे कि एल्कीन है इथीन, ये इथीन जो है उसे इथेन में चेंज कर दिया, इथीन इज कन्वर्टेड इंटू इथेन, इथीन इज कन्वर्टेड इंटू इथेन, तो जो एनर्जी रिलीज होगी ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को इथेन में कन्वर्ट करने में, तो उसे बोलेंगे अपन क्या, हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन, डेल्टा हीट, डेल्टा इसलिए है ना, दैट इज हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन। तो अब ये जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है उसमें पाई बॉन्ड होता है, तो पाई बॉन्ड कैसा बॉन्ड होता है, वीक बॉन्ड, पाई बॉन्ड कैसा बॉन्ड होता है, वीक बॉन्ड, और जो सिंगल बॉन्ड होता है सिग्मा बॉन्ड वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। तो अपन क्या कर रहे हैं, एक पाई बॉन्ड ब्रेक कर रहे हैं, दो हाइड्रोजन ऐड हो रहे हैं, तो एक पाई बॉन्ड, जब एक पाई बॉन्ड कितना हाइड्रोजन कंज्यूम करता है, दो हाइड्रोजन, तो कार्बन के साथ कौन सा बॉन्ड बनाता है, सिग्मा बॉन्ड, तो अपन वीक बॉन्ड से किस बॉन्ड में कन्वर्ट कर रहे हैं, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, तो एक पाई बॉन्ड टूटा, दो सिग्मा बॉन्ड बने कार्बन हाइड्रोजन के, ठीक है। तो इससे जो एनर्जी रिलीज हुई उसे बोलते हैं हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन। अब मुझे अगर कैलकुलेट करना है कि हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन क्या होगा किसी मॉलिक्यूल में, तो कैसे देखेंगे, हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पाई बॉन्ड। सबसे पहले देखोगे अगर एक पाई बॉन्ड टूटता है तो डेल्टा एनर्जी रिलीज होती है, तो डेफिनेटली दो पाई बॉन्ड टूटेंगे तो क्या होगा, ट्वाइस ऑफ डेल्टा, तीन पाई बॉन्ड टूटेंगे तो भाई थ्राइस ऑफ डेल्टा, क्योंकि जितने ज्यादा पाई बॉन्ड्स होंगे उतना ज्यादा हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन हो जाएगा, ठीक है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे मान लो मैं मार्केट गया और मैंने ना एप्पल खरीदा, 100 रुपीज पर के जी एप्पल आ रहे हैं, ठीक है, तो 1 kg लूंगा तो 100 रुपीज लगेंगे, तो 2 kg लूंगा तो कितने लगेंगे, 2 kg लूंगा तो कितने लगेंगे, ठीक है 200 लगेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर 1 kg लेने पर 100 लेना है, 2 kg में लिखना है 200, तो डेफिनेटली 2 kg लेने पर ज्यादा खर्च हो रहा है ना, एज कम्पेयर टू 1 kg ज्यादा खर्च हो रहा है एज कम्पेयर टू, तो इस जितने ज्यादा पाई बॉन्ड होंगे उतना ज्यादा हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन होगा, समझ में आई क्या बात, जितने ज्यादा पाई बॉन्ड्स होंगे हीट ऑफ हाइड्रोजन उतना ज्यादा होगा। लेकिन अगर नंबर ऑफ पाई बॉन्ड सेम हुए तो उस केस में क्या करेंगे, तब उस केस में देखते हैं स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन, और स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन जस्ट अभी पढ़ा है हमने टॉपिक कि स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजोनेंस, दूसरा अगर रेजोनेंस नहीं है तो नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन देखेंगे, मतलब हाइपर कॉन्जुगेशन देख लेंगे, क्या देख लेंगे अपन, हाइपर कॉन्जुगेशन, समझ में आई बात। अब ये क्वेश्चन करेंगे तो ज्यादा बढ़िया समझ में आएगा, ठीक है ना, बिल्कुल आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ, देख कंपेयर हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन ऐसा क्वेश्चन है, तो आप लोग ऑब्जर्व करें ए और बी क्या कहते हो, हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन का ऑर्डर क्या है ए और बी, हमेशा जनरली लिखा जाता बेटा है ना, ए और बी किसका हीट ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा होगा, ए का, कैसे पता चला, कैसे पता चला ए का ज्यादा है, क्या रीजन है, रीजन रीजन क्या है, मोर पाई बॉन्ड, टू पाई बॉन्ड्स, वन
पाई बॉन्ड, क्या बात है, इसलिए ए इज मोर देन बी आ गया, क्या बात, शाबाश, परफेक्ट आंसर, परफेक्ट आंसर, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ो, ठीक है, नेक्स्ट देखो, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड सेम है, पहले में भी टू पाई बॉन्ड्स हैं, नेक्स्ट में भी टू पाई बॉन्ड्स हैं, अब क्या करें, दोनों में बराबर पाई बॉन्ड है, अब क्या करेंगे, स्टेबिलिटी देखेंगे, क्या बात, बिल्कुल सही बात है, स्टेबिलिटी देखेंगे, तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का ऑर्डर क्या आया, जब नंबर ऑफ पाई बॉन्ड सेम थे, सेकंड, फर्स्ट, ए बी, ए बी, ए बी, कौन ज्यादा, ए में है रेजोनेंस, क्या बात है, तो यहाँ रेजोनेंस है, यहाँ नो रेजोनेंस, तो रेजोनेंस वाला ज्यादा स्टेबल, और जो ज्यादा स्टेबल उसकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कम, क्योंकि एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी, या स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी, समझ में आया, ठीक है, तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑर्डर क्या है, ए इज मोर देन बी, अब ऐसा क्यों बोलते हैं वो बताता हूं, देखो जब रेजोनेंस हुआ तो रेजोनेंस होने से एनर्जी का लॉस होता है, ठीक है, जब रेजोनेंस हुआ तो एनर्जी का क्या होता है, लॉस होता है, जब रेजोनेंस हुआ तो एनर्जी का क्या होता है, लॉस, और जो लॉस होता है वो एनर्जी का लॉस हुआ तो उसमें स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, ठीक है, तो इसका मतलब उसके अंदर स्टोर्ड एनर्जी क्या होगी, कम होगी, जब स्टोर्ड एनर्जी कम होगी तो रिलीज एनर्जी भी डेफिनेटली क्या होगी, कम होगी, क्योंकि स्टेबिलिटी के दौरान उसने एनर्जी का लॉस कर दिया, ठीक है ना, और इसको आप ऐसे भी एक और तरीका समझाता हूँ, समझाओगे, एक और है ना, एक और तरीका, जैसे अपन मान लो आलू लेने गए, एक किलो आलू 20 रुपए के, तो 2 किलो कितने के आएंगे, 1 किलो आलू 20 रुपए के, 2 किलो कितने के आएंगे, गलत जवाब, 35 के आ जाएंगे, 2 किलो ले रहे हैं आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे, 100% आ जाएंगे, 2 किलो ले रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल आ जाएंगे, तो ये जो डिफरेंस है, आप देखो थ्योरेटिकली कितने के आने चाहिए थे, 40 के, थ्योरेटिकली 40 के आने चाहिए थे, प्रैक्टिकली 35 के है, थ्योरेटिकली कितने के आने चाहिए, 40 के, प्रैक्टिकली कितने हैं, 35, तो जो डिफरेंस आया 5 के, फ्री में कुछ नहीं मिलता बेटे, फ्री में कुछ नहीं मिलता है ना, तो जो डिफरेंस आया 5 का, दैट इज एक्चुअली बार्गेन एनर्जी, जिसे अपन बोलते हैं रेजोनेंस एनर्जी, एक्चुअली क्या बोलते हैं, रेजोनेंस एनर्जी, जो डिफरेंस आया तो वो एनर्जी मिली ही नहीं कभी, लॉस हो गई स्टेबिलिटी गेन करने के दौरान, ठीक है, जब मॉलिक्यूल रेजोनेंस कर रहा था तो उसने एनर्जी का लॉस कर दिया, तो अब एक्चुअली प्रैक्टिकली वो मिली ही नहीं, अपन मिलनी तो चाहिए थी ट्वाइस, लेकिन मिली नहीं ट्वाइस, उससे कम मिली, ठीक है, तो इसी को डिफरेंस को बोलते हैं रेजोनेंस एनर्जी, समझ में आया क्या, समझ में आया, नवी हम बेटा पढ़ाई की बात करें, थोड़ा सा प्रैक्टिकल बातें कर रहे थे, दोस्त है ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, अभी हम बात कर रहे हैं, जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो समझने की कोशिश करो, और प्रैक्टिकल एग्जांपल इसलिए लिया क्योंकि ज्यादा समझ में आता है चीजों को, है ना, ठीक है, चलो आगे बढ़े, आगे बढ़े, अरे एग्जाम्पल समझ में आया कि नहीं आया ये बताओ, समझ में आया ना, चलो मजा आया ना, आगे बढ़े, चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट बात करते हैं, बढ़िया क्वेश्चन लेते हैं, चलो अब बताओ ये मॉलिक्यूल है ए और बी, क्या कहते हैं, कौन ज्यादा स्टेबल, कौन ज्यादा स्टेबल, मैंने स्टेबल पूछा है, मैंने स्टेबल पूछा है, क्वेश्चन देखना, सिस और ट्रांस कौन ज्यादा स्टेबल, पहला वाला मॉलिक्यूल है सिस टू ब्यूटीन, दूसरा है ट्रांस टू ब्यूटीन, कौन ज्यादा स्टेबल, ट्रांस, अभी बताया था, तो जो ज्यादा स्टेबल होगा उसकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कम, इसका मतलब हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन किसका ज्यादा हुआ, ए इज मोर देन बी, कोई डाउट इस क्वेश्चन में, कोई डाउट, चलो एक क्वेश्चन पूछता हूं, बताना मुझे, सिस जो मॉलिक्यूल होता है उसमें सिस में टब शेप होता है, ये सिस जो स्ट्रक्चर दिखाया है दैट इज अ टब शेप, ऑब्जर्व करो, ये सिस जो है टब शेप,
मान लो इस स्टेप को उल्टा कर दे, अभी बताओ सेसे की ट्रांस, सेसे की ट्रांस, सेस, आर यू श्योर? गुड गुड गुड। अच्छा मान लो टप को खड़ा कर दिया, अब कैसा शेप रहेगा? स्टैंडिंग पोजीशन पर कैसा रहेगा? सेस रहेगा, पक्का ना? ओके, हाफ टिल्टेड रख दिया, अभी कैसा शेप रहेगा? सेस रहेगा। क्या बात है, सो इंटेलिजेंट पीपल। मान लो चेयर बना दिया, अब बताओ कौन सा शेप? ट्रांस। ओके, क्या बात है, अभी अभी ट्रांस श्योर ना? चलो एक क्वेश्चन पूछता हूं, कितने कार्बन है मॉलिक्यूल में? ये जो मॉलिक्यूल बनाया कितने कार्बन है? 10 कार्बन, सबको दिख गए? मैंने लिखा यहां डबल वन, अब बताओ सेसे की ट्रांस, सेसे की ट्रांस, पता नहीं, पता करते हैं ना। डबल वन के रेस्पेक्ट में ये और ये क्या बना रहा है? चेयर, चेयर बना रहा है, क्या कहलाएगा? विशेश्वर, इसलिए कर रहे हैं क्वेश्चन, है ना? कैसे पता करेंगे? ऊपर जो है ना, ऊपर वाले स्ट्रक्चर को ही देखो आप, मैंने बता दिया, इसलिए सिखा रहा था मैं आपको। कौन सा स्ट्रक्चर है? ट्रांस, दिख गया सबको? ओके चलो ठीक, ये डबल बॉन्ड आया है, अब क्या बोलेंगे इसको? अब जो लिखा है वो कैसा है? अब जो लिखा है वो कैसा है? सिस, क्या बात है, बहुत बढ़िया, शाबाश। ऑब्जर्व, ये डबल बॉन्ड लिखा मैंने, इसका नाम दिया ए, क्या कहते हो, सिस के ट्रांस, सिस, ए सिस, ओके समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। बी, बी क्या है? सिस। सी क्या है? ट्रांस। ओके, अब मगर मान लो मैंने यहां डबल मोड लिखा, अब कैसा है ये? डी, डी कैसा है, डी कैसा है? क्या बात है, मेरे बच्चों को सिर्फ ट्रांस समझा दिया, समझ में आया ना? चेयर बने दो ट्रांस, टब बने दो सिर्फ, क्या बात है, समझ में आया ना? बच्चे सीख गए मेरे, सिर्फ ट्रांस कैसे होगा, राइट? चलो फिर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन करते हैं जी। अपन को क्वेश्चन दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टेबिलिटी निकालना है, उसका उल्टा कर देना है, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का ऑर्डर आ जाएगा, ठीक है? चलो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का ऑर्डर निकालते हैं, पहले अपन स्टेबिलिटी का ऑर्डर निकाल लेते हैं, उसको उल्टा कर देंगे। एक काम करते हैं, पहले स्टेबिलिटी का ऑर्डर निकालते हैं, उसका उल्टा कर देंगे, स्टेबिलिटी ऑर्डर, उसके बाद हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का ऑर्डर। अगले क्वेश्चन में सिस ट्रांस नहीं बताना है, एबीसीडी में क्वेश्चन सॉल्व करना है, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का क्वेश्चन है, सब लोग ऑब्जर्व करें। डबल बॉन्ड जो है उसको मार्क कर लेते हैं, डबल बॉन्ड को हाईलाइट कर लेते हैं, डबल बॉन्ड के रेस्पेक्ट में जो पास वाले कार्बन होंगे, डबल बॉन्ड जिन दो एटम के बीच में डबल बॉन्ड है उनको मार्क कर लेते हैं, उसके पास वाला कार्बन देख लेंगे, उसको मार्क कर लेंगे अल्फा कार्बन। चलो फिर अल्फा कार्बन मार्क करते हैं, दिस इज अल्फा, दिस इज अल्फा, दिस इज अल्फा, दिस इज अल्फा, यहां पर देखते हैं नेक्स्ट वन, नेक्स्ट के रेस्पेक्ट में जो अल्फा कार्बन है वो दिस इज अल्फा, दिस इज अल्फा, नेक्स्ट में देखते हैं ये अल्फा है, ये अल्फा है और ये अल्फा है, नेक्स्ट में देखते हैं ये अल्फा कार्बन है, ये अल्फा कार्बन है,
अल्फा कार्बन से अटैच हाइड्रोजन जो होगा दैट इज अल्फा हाइड्रोजन. अल्फा हाइड्रोजन मार्क करते हैं पहले वाले में कितने अल्फा हाइड्रोजन होंगे, यहाँ पर ये थ्री हाइड्रोजन, यहाँ पर भी कितने हाइड्रोजन, थ्री हाइड्रोजन, यहाँ पर दो हाइड्रोजन, यहाँ पर भी दो हाइड्रोजन, टोटल कितने अल्फा हाइड्रोजन आ रहे हैं अपन काउंट कर रहे हैं, थ्री प्लस थ्री सिक्स, सिक्स प्लस फोर टेन, टेन अल्फा हाइड्रोजन आ रहे हैं. नेक्स्ट में देखते हैं यहाँ पर थ्री हाइड्रोजन, यहां पर ओनली वन हाइड्रोजन, तो टोटल फोर अल्फा हाइड्रोजन आ रहे हैं. नेक्स्ट में देखते हैं यहां टू अल्फा हाइड्रोजन, यहां वन, यहां टू अल्फा हाइड्रोजन, यहां वन अल्फा हाइड्रोजन, टोटल कितने हो गए, टू और टू फोर, फाइव, फाइव अल्फा हाइड्रोजन आ रहे हैं. नेक्स्ट में देखते हैं यहां एक हाइड्रोजन है, यहां दो हाइड्रोजन है, टोटल हाइड्रोजन आए थ्री. हाँ जी, स्टेबिलिटी ऑर्डर आया मेरा ए सी बी डी, ए सी बी डी अल्फा हाइड्रोजन का ऑर्डर है, और इसका उल्टा करेंगे तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का ऑर्डर है हमारा टी बी सी ए. होपफुली सबको समझ में आया होगा. समझ में आया? आसान, आसान ना? हाँ आसान होता है, बिल्कुल आसान है, बहुत आसान है. गुड, आगे बढ़ते हैं. चलो जल्दी से ये क्वेश्चन जो है इसका आंसर बताओ. नंबर ऑफ फाइव बॉन्ड सेम है, बिल्कुल नंबर ऑफ फाइव बॉन्ड सेम है, टू टू टू. टू 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 ठीक है. पहला आंसर आया बी सी ए, अगला आया ए बी सी, अगला आया सी ए बी, विजेश का आया ए बी सी. अच्छा आ चुका है, हाँ अच्छा, हाँ हाँ चेक कर लूंगा अभी. ए सी बी, अच्छा ए सी बी, एक और आंसर है ए सी बी, ए बी सी आ चुका है, ए बी सी आ चुका है, बहुत बढ़िया. बी सी ए लिखा हुआ है, चार ऑप्शन आते हैं, चारों ऑप्शन आते हैं. सी बी ए, सी बी ए है सलोनी का आंसर. अच्छा बी सी ए, बी सी ए लिखा हुआ है क्या, बी सी ए लिखा हुआ है, सबके आंसर आ गए. बी ए सी, बी ए सी, क्या बात. बी ए डी, अच्छा बैड, अरे डी तो है ही नहीं ऑप्शन, क्या बात कर, एक ही आंसर होगा ना, मतलब अच्छा क्वेश्चन है. देखो अगर सबके आंसर अलग अलग आ रहे हैं ना, इसका मतलब क्वेश्चन बहुत अच्छा है. अगर सबके आंसर अलग अलग आ रहे हैं, इसका मतलब क्वेश्चन की क्वालिटी वाला क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है. अगर सबका आंसर सेम आता ना, इसका मतलब क्वेश्चन लल्लू क्वेश्चन था, सबसे हो गया. ठीक है, लिख दिया आंसर, चलो डिस्कस करते हैं. सी बी ए लिखा हुआ है, चलो है ना. ऑब्जर्व, फर्स्ट में रेजोनेंस है, सेकंड में रेजोनेंस है, थर्ड में नो रेजोनेंस, कोई रेजोनेंस नहीं है. ठीक है, तो सबसे पहले सी आएगा, सबसे पहले क्या आएगा, सी. कितने लोगों का सी पहले आया आंसर में, किसका सी पहले आया आंसर में? इन सबका आंसर गलत है. बताता हूं, दिस इज एंटी एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड सबसे अनस्टेबल होते हैं, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड सबसे अनस्टेबल होते हैं, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड सबसे अनस्टेबल होते हैं, इसलिए सबसे ज्यादा हीट ऑफ हाइड्रोजन आता है बी का, सबसे पहले बी आएगा. ठीक है, अब जिसमें रेजोनेंस है उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा, और जिसमें रेजोनेंस नहीं उसकी स्टेबिलिटी कम, इसलिए बी के बाद क्या आएगा, सी, सी के बाद क्या आएगा, ए. अरे मजा आया क्या?
मजा आया ना, गलत हुआ मजा आया ना, गलत होने का मजा है, सीख गए ना। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट कि साइक्लिक कंपाउंड अगर होगा तो उस केस में एरोमेटिसिटी और एंटी एरोमेटिसिटी चेक करनी पड़ती है हमको। ये कॉन्सेप्ट समझ में आई क्या बात? अगर साइक्लिक कंपाउंड है तो उस केस में एरोमेटिसिटी एंटी एरोमेटिसिटी ये चेक करनी पड़ेगी। ये की पॉइंट है साइक्लिक कंपाउंड के लिए। कैसे पता चलता है कुणाल? ऐसे मत कर, एरोमेटिक कैसे पता चलता है? तेरी पिटाई लगाऊंगा मैं, हैं, घर आके पिटाई लगाऊंगा तेरी, ठीक है? एरोमेटिक पढ़ा दिया था मैंने और टेस्ट में भी आने वाला है, बताया था टेस्ट में टॉपिक आ रहा है एरोमेटिक। एरोमेटिसिटी कैसे पता चलती है? ऐसे करेगा ना तो मतलब एक ही टॉपिक पढ़ते रहेंगे फिर अपन रोज। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी से बताओ क्या कहते हो, क्या आंसर होगा ए बी सी? जल्दी बताओ ए बी सी क्या कहते हो? हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन का ऑर्डर बताना है। हाँ तुम्हारे आंसर लिख लो पहले सारे ना, फिर देखेंगे मजा आएगा। ओके हेलो सॉल, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, शाबाश। चलो आगे बढ़ते हैं, देखो मजेदार बात। एक्सपेक्टेड ऑर्डर सबसे ज्यादा सी, फिर बी, फिर ए। नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड 3, तो हीट ऑफ हाइड्रोजन सबसे ज्यादा, फिर 2, फिर 1, मतलब सी बी ए अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ पाई बॉन्ड। एक्सपेक्टेड ऑर्डर सी बी ए, ये गलत हो जाता है। एक्चुअली क्या है, हीट ऑफ हाइड्रोजन जब कैलकुलेट करते हैं एक पाई बॉन्ड तोड़ने में तो 120 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिलीज होती है, बी में 232 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिलीज होती है और सी में 208 ही रिलीज होती है, बिकॉज दिस इज एरोमेटिक, बेंजीन बन जाता है। और बेंजीन जो है वो अपना एनर्जी इतना लॉस करता है कि 3 पाई बॉन्ड होने के बावजूद रिलीज जो एनर्जी निकल के आती है वो आती है 208। क्या निकल के आती है? 208। होना तो थाइस का होना चाहिए था ज्यादा, लेकिन उसका ज्यादा नहीं हो जाता, 2 वाले से भी कम हो जाता है, 2 पाई बॉन्ड होने से। किसके कारण ऐसा हुआ? पहली बात तो रेजोनेंस हो रहा था, और रेजोनेंस में कौन सा इफेक्ट? एरोमेटिसिटी इफेक्ट। और एरोमेटिक से कंपाउंड सबसे ज्यादा स्टेबल होते हैं, पढ़ाया आपने, पढ़ाया ना? इसलिए अपना जो इसका ऑर्डर आता है एक्चुअल ऑर्डर वो क्या आएगा, सबसे ज्यादा आ जाएगा बी, फिर क्या आएगा सी, फिर क्या आएगा ए। तो दिस इज अ वेरी डिफरेंट क्वेश्चन, ये इकलौता क्वेश्चन है अलग, ठीक है, मजेदार क्वेश्चन है। एरोमेटिक कंपाउंड होने की वजह से गलती हो जाती है, बी में रेजोनेंस है, लेकिन एक बार दो, 20 ज्यादा होता है या 35? 20, 20 ज्यादा की 35, 20 ज्यादा की 35 होता हूं। एक किलो आलू बताया था 20 रुपए के, 2 किलो आलू 35 रुपए के, तो 35 ज्यादा होता है 20, 35 ज्यादा होता है 20, तो 2 पाई बॉन्ड है बी वाले में, बी वाले में कितने पाई बॉन्ड है? 2 पाई बॉन्ड्स। 1 वाले ए में कितने पाई बॉन्ड है? 1 पाई बॉन्ड। तो डेफिनेटली एक पाई बॉन्ड की एनर्जी सबसे कम होगी ना, समझ में आई क्या बात? एंटी एरोमेटिक कैसे हुआ? साइक्लिक रेजोनेंस ही नहीं है, ये कार्बन sp3 है, ये कार्बन sp3 है, नॉन प्लेनर हो गया स्ट्रक्चर, साइक्लिक रेजोनेंस ही नहीं है, कंप्लीट कंप्लीट साइक्लिक में रेजोनेंस होता है तब एंटी एरोमेटिक होता है, ठीक है ना? जब साइक्लिक वाला क्वेश्चन आया तो ये चेक कर सकते हैं एरोमेटिसिटी। दिस इज अ वेरी डिफरेंट क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है जिसमें अपन को गलती हो सकती है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। तो होना क्या चाहिए था? होना चाहिए था सी बी ए,
और जैसे ही CBA देखते हैं आंसर गलत हो जाता है, क्योंकि प्रैक्टिकली एनर्जी कितनी रिलीज होती है बेंजीन की, 208 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिलीज होती है, और इतनी एनर्जी रिलीज होती है तो वो ट्वाइस वाले से क्या रहती है, ज्यादा कम हो जाती है, ट्वाइस वाले से भी कम। समझ में आया तुम्हें? रीजन समझ में आया क्या, ये 208 क्यों आ रही है प्रैक्टिकली? रीजन समझ में आया क्या प्रैक्टिकली 208 क्यों आ रही है? डेटा याद करने की जरूरत नहीं है आपको, ये क्वेश्चन समझ में आया क्या? रीजन समझ में आया आपको, क्या रीजन है कि बेंजीन की एनर्जी इतनी कम हो गई? बेंजीन की एनर्जी कम क्यों हुई? क्योंकि वो एरोमेटिक कैरेक्टर, रेजोनेंस के साथ में एरोमेटिक कैरेक्टर गेन करता है, और जब एरोमेटिक कैरेक्टर गेन करता है तो एनर्जी का लॉस बहुत ज्यादा हो जाता है, और इतना ज्यादा लॉस हो जाता है कि वो 2 pi bonds वाले से भी कम हो जाती है उसकी एनर्जी। तो स्टोर्ड एनर्जी हो गई 208, तो डेफिनेटली रिलीज ही कम होगी, 208 ही रिलीज होगी। समझ में आया अभी? तो आप इस क्वेश्चन को बिल्कुल अलग रख देंगे, इस क्वेश्चन को बिल्कुल अलग रखेंगे एग्जाम के टाइम पे। कॉन्सेप्ट सब में सेम लग रहे हैं, इस क्वेश्चन में अलग हो रहा है तो अपन इस क्वेश्चन को अलग से लेंगे। समझ में आया? अलग से मार्क कर लेना, मैंने भी मार्क कर दिया, 5-star मार्क कर दिया है, ठीक है? इससे अपन को कोई कंफ्यूजन नहीं होगा कभी। ए से कम क्यों नहीं हो रहा बेटा? वही वाली बात है, 35 ज्यादा होता है 20, 1 किलो आलू 20 रुपए के आते हैं, 2 किलो 35 के आते हैं, 35 के आते हैं, तो 35 डेफिनेटली ज्यादा होगा ना इससे, 20 से। एंटी एरोमेटिक कंपाउंड लीस्ट स्टेबल होते हैं, आपने पढ़ा हुआ है ऑर्डर, सबसे ज्यादा स्टेबल होते हैं एरोमेटिक, फिर होता है नॉन एरोमेटिक, फिर होता है एंटी एरोमेटिक, ये पढ़ा हुआ है आपने। थ्री केजी है, 3 kg का भाव और कम हो गया तो इसलिए गलत हो जाता है क्वेश्चन, इसलिए अच्छा क्वेश्चन, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हीट ऑफ कंबशन की बात करते हैं, ठीक है ना? हीट ऑफ कंबशन क्या होता है? हीट ऑफ कंबशन होता है अमाउंट ऑफ हीट रिलीज व्हेन 1 mole ऑफ अ गिवन कंपाउंड इज कंप्लीटली बर्न इन प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑक्सीजन। किसी भी हाइड्रोकार्बन को जलाने पर जो एनर्जी रिलीज होती है उसे बोलते हैं हीट ऑफ कंबशन, ठीक है? किसी भी हाइड्रोकार्बन को जलाने पर जो एनर्जी रिलीज होती है उसे बोलते हैं हीट ऑफ कंबशन, ठीक है ना? अब आप देखो फ्यूल जो होता है ना अपना, ये पेट्रोल डीजल, ये फ्यूल जो होते हैं इनको बर्न करने में इनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलती है, जिसकी वजह से गाड़ियां चलती हैं हमारी, ठीक है? कार चलती है, स्कूटर चलता है, सारी व्हीकल मैकेनिकल व्हीकल चलते हैं, मशीनरी चलती है। तो ये जो फ्यूल्स होते हैं वो एनर्जी प्रोवाइड, ठीक है? ये जो फ्यूल्स होते हैं वो एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, कैसे? बर्निंग प्रोसेस, किससे प्रोवाइड करते हैं? बर्निंग प्रोसेस से प्रोवाइड करते हैं। तो एनर्जी इसे बोलते हैं हीट ऑफ कंबशन। तो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज व्हेन 1 mole ऑफ हाइड्रोकार्बन इज कंप्लीटली बर्न इन प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑक्सीजन इज नोन एज हीट ऑफ कंबशन। समझ में आई बात? जैसे कि एग्जाम्पल मीथेन को हमने जलाया CH4, ठीक है? हाँ बिल्कुल, डेल्टा एच हमेशा नेगेटिव ही होगा क्योंकि एनर्जी रिलीज होती है एक्सोथर्मिक रिएक्शन ऑफ द डेल्टा एच, नेगेटिव ही है ना? तो जब मीथेन को जलाया हमने 2 mole O2, तो क्या बना? CO2 गैस बनी, H2O बन गया, ठीक है ना? अब उसमें जो एनर्जी रिलीज हुई दैट इज हीट ऑफ कंबशन, यही कहलाती है हीट ऑफ कंबशन, ठीक है ना? अब मुझे अगर कैलकुलेट करना है डेल्टा एच नेगेटिव, बोला ना बेटा अभी अभी कि हीट जब रिलीज होती है तो नेगेटिव ही होती है, जब अपन सप्लाई करते हैं तो पॉजिटिव होती है, ये तुम 11th में थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ते हो, ठीक है ना? ये पढ़ाया तुमने इसलिए पता है तुम लोगों ना। चलो आगे बढ़ते हैं, तो जब बात करते हैं हीट ऑफ कंबशन मुझे कैलकुलेट करना है, तो सबसे पहली बात हीट ऑफ कंबशन डिपेंड करेगी नंबर ऑफ कार्बन पर। जिस मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा उसका हीट ऑफ कंबशन ज्यादा, जिसमें नंबर ऑफ कार्बन कम हीट ऑफ कंबशन कम। लेकिन सर अगर नंबर ऑफ कार्बन सेम हो गया तो क्या करेंगे? तो हमने क्राइटेरिया लिखा है स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी से देख लेंगे, है ना? और स्टेबिलिटी के हमने अभी थोड़ी देर पहले स्टेबिलिटी का पढ़ा था क्राइटेरिया, कि कैसे स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग करते हैं। जिसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी उसका स्टोर्ड एनर्जी कम होगी, और स्टोर्ड एनर्जी कम होगी तो डेफिनेटली बर्न करने पर भी रिलीज एनर्जी क्या आएगी? कमी आएगी, ठीक है ना? अब एग्जांपल ले लेते हैं, ये समझ में आ गया? नंबर ऑफ कार्बन देखना है सबसे पहले, नंबर ऑफ कार्बन डिफरेंट,
तो उसके इसमें नंबर ऑफ कार्बन, लेकिन नंबर ऑफ कार्बन सेम, तो अपन क्या करेंगे स्टेबिलिटी ऑर्डर देख लेंगे। चलो फिर एग्जांपल देते हैं, जैसे कि अपन को ये दिया है ए बी सी डी, इसमें हीट ऑफ कंबस्टन का ऑर्डर निकालना है अपन, ठीक है? तो क्या कहते हो, व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर, व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर, क्या आंसर होना चाहिए? ए बी सी डी बता रहे हो, कैसे कैसे बता रहा है ए बी सी डी आंसर, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट, कैसे किया समझ में नहीं आ रहा, कैसे किया समझ में नहीं आ रहा। नंबर ऑफ कार्बन का क्वेश्चन था, क्या बात है, आंसर आया ए बी सी और फिर डी, तो आंसर आया ए बी सी डी, कुड़ाऊ आसान था ना, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है ए बी सी डी, क्या कहते हो, What will be the answer? चलो करो सॉल्व। करो सॉल्व, वेट कराऊ तुम्हारे आंसर का, फिर डिस्कस करूंगा। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, गुड ट्राई गुड ट्राई, करते रहो करते रहो, सभी लोग आंसर करें, उसके बाद में आंसर लिखूंगा, मजा तभी आता है, सब लोग ट्राई करेंगे ना, गलत होगा तो मजेदार है, और सही हो जाएगा तो बल्ले बल्ले, गलत हो गया तब भी बल्ले बल्ले, सीख जाएंगे ना कैसे सही करना है, अभी तक जो पढ़ा है उसका एप्लीकेशन कर रहे हैं, ठीक है ना, बहुत अच्छा है। तो ए जो मॉलिक्यूल है इसमें मुझे चार कार्बन दिखते हैं, नेक्स्ट जो है उसमें फोर कार्बन दिखते हैं, नेक्स्ट में थ्री कार्बन दिखते हैं, और फोर्थ में दो ही कार्बन दिखते हैं। तो सबसे पहले तो मैंने क्या करा, कार्बन का नंबर लिख लिया। अब कार्बन का नंबर लिखने के बाद मैंने क्या देखा कि जिसमें कार्बन ज्यादा, तो फोर फोर कार्बन बराबर है, तो अपन क्या करेंगे स्टेबिलिटी से कर लेंगे। तो ए और बी में अपन को कंपेयर करना है अकॉर्डिंग टू स्टेबिलिटी, क्या कहते हो, सिस ज्यादा स्टेबल या ट्रांस, सिस ज्यादा स्टेबल या ट्रांस, ट्रांस क्या बात है, और जिसकी स्टेबिलिटी ज्यादा, हीट ऑफ कंबशन कम, इसका मतलब हीट ऑफ कंबशन का ऑर्डर आया मेरा सबसे ज्यादा किसका, ए, ए के बाद क्या आया बी, बी के बाद थ्री कार्बन का हीट ऑफ कंबशन ज्यादा होगा या टू कार्बन का, बिल्कुल सही बात है, थ्री कार्बन का ज्यादा होगा, इसलिए पहले सी फिर डी, क्या बात। हाँ जी, कितने लोगों का गलत हुआ है, कितने लोगों का गलत हुआ है, गलत पूछा है सिर्फ, सही वाले नहीं बताएंगे, क्या बात है, मजा आया ना, मजा आया ना, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, मुझे अच्छा लग रहा है तुम लोगों का गलत हुआ है, क्लैपिंग क्लैपिंग, इसलिए क्योंकि आज ये सीखने को मिला कि गलत कैसे करो, ट्राई करने से ही गलत होता है, ठीक है, ट्राई करने से ही गलत होता है, और ये भी समझ में आता है कि अपन क्या सोच रहे थे और सही कैसे सोचना है, हमको सोच डेवलप करनी है, हमको सिर्फ एक क्वेश्चन नहीं करना है, हमारे लिए कोई भी क्वेश्चन आए मेरे से होना चाहिए, ये सबसे जरूरी बात है, मेरे से हो ये सबसे जरूरी है, इसके लिए गलत करना, करने से ही सीख मिलती है और उसके बाद कभी गलत नहीं होगा, मजा आया, यस गुड नाइस, आगे बढ़े, 720 सभी तो आएंगे, यस अपन ऐसे ही तो सीखेंगे ना, सीखते सीखते ही, अरे चोट लगती है तब मजा आता है ना, चोट लगती है ना तो उसके बाद क्या, चोट से ही सीखते हैं, हाँ ऐसे चोट लगी थी, है ना, बहुत बढ़िया, चलो आगे बढ़े, है ना। डी में कैसे टू कार्बन, ओहो CH2 CH2, अच्छा मुझे बताओ, पहले ये बताओ अभी एक चीज इंपॉर्टेंट बात, कितने लोगों को बॉन्ड बॉन्ड लाइन डायग्राम में दिक्कत है, ये जो बॉन्ड लाइन लिखी हुई है ना, कितने को बॉन्ड लाइन डायग्राम में दिक्कत है, बताना मुझे, नहीं बताओगे ना तो मुझे मैं सिखा नहीं पाऊंगा आगे, क्या है बहुत सारे बॉन्ड लाइन डायग्राम है, किसी को दिक्कत है, जिसको दिक्कत है सिर्फ वही टाइप करें, जिसको दिक्कत है वही टाइप करें, उसके अलावा कोई आंसर नहीं चाहिए मुझे, जल्दी बताओ दिक्कत है, हाँ क्योंकि अगर आपको दिक्कत है ना तो अपन उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, लेकिन अगर आप बताओगे नहीं ना तो मुझे पता नहीं चलने वाला, तो बेटे ईमानदारी से बता दिया करना कभी दिक्कत है ना। चलो मैं बॉन्ड लाइन डायग्राम के एग्जांपल देता हूँ कुछ, सब लोग ऑब्जर्व करना और मैं आपसे कुछ पूछूंगा उसका आंसर दे देना, ठीक है ना। मैंने ये डॉट लिखा है, ये डॉट, डॉट मतलब होता है एक कार्बन, डॉट मतलब एक कार्बन, एजेस रिप्रेजेंट कार्बन, ये ध्यान रखना। अब मैंने मान लो इसको ऐसे लिखा, अब कितने एजेस है इसमें, कितने एजेस है, टू, इसलिए कार्बन कितने होंगे, टू कार्बन होंगे, समझ में आया है ना।
अब ध्यान देना, अब मैं क्वेश्चन पूछते जा रहा हूं, क्वेश्चन पूछ रहा हूं। अब मैंने मान लो ऐसा कर दिया, अब कितने कार्बन है टोटल, काउंट करो एजेस रिप्रेजेंट कार्बन, काउंट करो, एक दो तीन चार पांच, फाइव कार्बन सारे। ओके ठीक है, मैंने अल्फाबेट लिखा के, अब कितने कार्बन है, अब कितने कार्बन है, फाइव, श्योर, एक दो तीन चार पांच। अच्छा मैंने अल्फाबेट लिखा एम, अब कितने कार्बन है, अल्फाबेट एम में कितने कार्बन है। ओके मानो मैंने प्लस लिखा, आप कितने कार्बन है, ओके अब कितने कार्बन है इसमें, क्या बात है, अब कितने कार्बन है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, शाबाश। अब कितने कार्बन है, काउंट, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन, नाइन कार्बन। अब कितने कार्बन है, कार्बन है, बताओ कार्बन है, कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये दिस इज ऑक्सीजन, ऑक्सीजन। मैथ्स के हिसाब से हो, बायो लेके बैठा है, मैथ्स की बातें करता है, हैं सत्यजीत हैं, इट्स ऑक्सीजन, बायो लेके बैठा है, ऑक्सीजन और मैथ्स की बातें करता है, ऐसी बातें करना पाप है, समझे क्या। चलो हाँ जी, अब मैंने क्या सिखाया था, हीट ऑफ कंबशन में सबसे पहले देखते हैं नंबर ऑफ कार्बन। ये बॉन्ड लाइन डायग्राम समझ में आ गया, मोस्ट ऑफली ना बॉन्ड लाइन डायग्राम समझ में आ गया ना, आगे बढ़े। तो हीट ऑफ कंबशन जो है सबसे पहले देखते हैं नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन सेम होते हैं तब उस केस में अपन देखते हैं क्या, स्टेबिलिटी। तो ए और बी में नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा थे, फोर फोर, इसलिए दोनों पहले आएंगे, लेकिन दोनों में से भी कौन ज्यादा होगा, जिसका स्टेबिलिटी ज्यादा उसके हीट ऑफ कंबशन कम। तो अगर बात करें तो दिस इज ट्रांस इज मोर स्टेबल देन सिस, अपन ने ट्रांस और सिस में कैसे कंपेयर किया स्टेबिलिटी से, ट्रांस ज्यादा स्टेबल होता है, सिस कम स्टेबल होता है ना, ऐसा कंपेयर किया। उसके बाद नंबर ऑफ कार्बन कम थे तो इसलिए एबीसीडी ऑर्डर आता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वन, नेक्स्ट बात करेंगे, एक रूल बताता हूं आपको, ब्रेड्स रूल। ब्रेड्स रूल क्या होता है, बाईसाइक्लो कंपाउंड जो होते हैं, कौन से कंपाउंड, बाईसाइक्लो कंपाउंड, बाईसाइक्लो कंपाउंड जो होते हैं वो बाईसाइक्लो कंपाउंड में जो ब्रिज कार्बन होता है दैट शुड नॉट बी sp2 hybridized, प्लैनरिटी कैन नॉट बी अचीव एट ब्रिज हेड पोजिशन, कैन नॉट बी sp2 ब्रिज साइक्लिक बाईसाइक्लो कंपाउंड अनलेस वन ऑफ द रिंग कंटेंट एटलीस्ट 8 कार्बन एटम्स। ठीक है, इसका क्या मतलब है अपन आगे देखते हैं, इसका क्या मतलब है। ठीक है, ब्रिज कार्बन होता है, दिस इज द ब्रिज कार्बन, दो रिंग के बीच का जो कार्बन है इसे बोलते हैं ब्रिज कार्बन, दो, ये दो से ज्यादा रिंग जो होती है उसके बीच का जो कार्बन होता है उसे बोलते हैं ब्रिज कार्बन, दिस इज द ब्रिज कार्बन। ये भी कैसा कार्बन है, ये ब्रिज कार्बन।
ठीक है, ये ब्रिज कार्बन है। अब ये जो ब्रिज कार्बन है इसमें टू और मोर देन टू रिंग होती है, ठीक है, टू और मोर देन टू रिंग होती है, तो ये कंपाउंड होते हैं, इन्हें बोलते हैं बाय साइक्लो कंपाउंड्स। कैसे कंपाउंड्स होते हैं बेटा? बाय साइक्लो कंपाउंड्स, ठीक है। जब फ्यूज्ड रिंग्स होती हैं, एक से ज्यादा रिंग प्रेजेंट होती हैं, तो उसे बोलते हैं बाय साइक्लो कंपाउंड। ये जो ब्रिज हेड कार्बन होता है ये sp2 नहीं होना चाहिए। sp2 कब होगा? ये जब इस पे या तो पॉजिटिव चार्ज आ जाए, या फ्री रेडिकल आ जाए, या डबल बॉन्ड आ जाए। ये जो ब्रिज कार्बन है इट शुड नॉट बी sp2। ये हमें कैसे पता चलेगा sp2 कब होगा? हमें हाइब्रिडाइजेशन निकालना आता है ना। कार्बन चार बॉन्ड बनाता है, सबको पता है ना, चार बॉन्ड बनाता है ना, तो अगर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो sp2 हो जाएगा, और फ्री रेडिकल आएगा तब भी sp2 हो जाएगा, और अगर डबल बॉन्ड आ जाएगा तब भी sp2 हो जाएगा। मींस क्या, किसकी बात कर रहे हैं? और इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये स्ट्रक्चर है जो उसको ऐसा भी लिखा जा सकता है। तो ये जो कार्बन है दैट इज अ ब्रिज कार्बन, ये जो कार्बन है इसको बोलते हैं ब्रिज कार्बन, ठीक है। सबको दिख रहा होगा, समझ में आ रहा है? ब्रिज कार्बन समझ में आया? ब्रिज कार्बन समझ में आया? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये जो ब्रिज कार्बन है इसमें ये कार्बन ब्रिज कार्बन है, ये कार्बन ब्रिज कार्बन है, ठीक है, ब्रिज कार्बन। sp2 नहीं होना चाहिए, ये पढ़ रहे हैं आगे ना। पहली बार तो ब्रिज कार्बन समझ में आ गया, ये ब्रिज कार्बन है, ये ब्रिज कार्बन है, ठीक है। ये जो मैं मार्क कर रहा हूं दीज आर ब्रिज कार्बन, ये जो मार्किंग हो रही है ये इन्हें बोलते हैं ब्रिज कार्बन। ठीक है, ये ब्रिज कार्बन समझ में आया? ब्रिज कार्बन समझ में आया ना? क्योंकि ब्रिज कार्बन समझ में आएगा तो बेटा अभी तो मैं शुरू करा है ना सोहा, अभी बात करेंगे बेटा ना, ठीक है। तो ब्रिज कार्बन सबको समझ में आया, तो कैसे ये sp2 हो सकता है जब या तो पॉजिटिव चार्ज आ जाए, तो इस पे ये पॉजिटिव चार्ज अगर प्रेजेंट है या डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो ये sp2 हो जाएगा, और दिस कैन नॉट बी sp2। तो दीज आर हाईली अनस्टेबल स्ट्रक्चर, दीज आर अनस्टेबल स्ट्रक्चर। किसकी वजह से अनस्टेबल है? ब्रिज कार्बन sp2 नहीं हो सकता है। कौन सा कार्बन sp2 नहीं हो सकता है? ब्रिज कार्बन sp2 नहीं हो सकता है, ठीक है। और ब्रिज कार्बन अगर sp2 हो गया तो दिस इज अ हाईली अनस्टेबल स्ट्रक्चर, इट्स अ हाईली अनस्टेबल स्ट्रक्चर। ब्रिज कार्बन कैन नॉट बी sp2। ब्रिज कार्बन कैसा नहीं हो सकता है? sp2 नहीं हो सकता है, ठीक है ना। पहली बात, ब्रिज कार्बन पर पॉजिटिव नहीं आ सकता है, फ्री रेडिकल नहीं आ सकता है, और डबल बॉन्ड नहीं आ सकता है, ठीक है ना। अब ये ब्रिज कार्बन है, ऑब्जर्व करो, ब्रिज कार्बन में डबल बॉन्ड आ रहा है जिस कार्बन पर ब्रिज कार्बन है, ठीक है, और ये sp2 हो रहा है, तो इसका मतलब दिस इज अनस्टेबल। अब ये तो क्या है? स्टेबल है, क्यों? ब्रिज पर sp2 कार्बन नहीं आ रहा, ठीक है। जो थर्ड स्ट्रक्चर है ए बी और सी की बात करते हैं, तो सी जो है वो स्टेबल है क्योंकि उसमें ब्रिज पर sp2 नहीं आ रहा है। मैं स्टेबिलिटी ऑर्डर नहीं निकालना है, स्टेबिलिटी ऑर्डर नहीं निकालना बेटा, पहली बात तो स्टेबिलिटी ऑर्डर इसलिए नहीं निकालना है क्योंकि हम स्टेबिलिटी कंपेयर नहीं कर रहे हैं, है ना। मैं आपको ये सिखा रहा हूं सिर्फ कब ये स्टेबल होगा, कब अनस्टेबल होगा। और वैसे भी कैटायन और न्यूट्रल स्ट्रक्चर को कंपेयर नहीं करते, न्यूट्रल हमेशा ज्यादा स्ट्रक होता है, कैटायन इंटरमीडिएट है ना। हाँ, ब्रिज कार्बन sp2 नहीं होना चाहिए, समझ में आया? ठीक है, अब ऑब्जर्व करना सब लोग, ध्यान देना। ये अपना बाईसाइक्लो कंपाउंड हो गया ना, बाईसाइक्लो, ठीक है। अब आप ऑब्जर्व करें सब लोग, सब लोग ध्यान दें, मैं आपको दिखा रहा हूं। ये इसको बोलते हैं अपन साइक्लो, दिस इज साइक्लो, दिख रहा है सबको साइक्लो? आप मुझे देखना अब, ठीक है, ये साइक्लो सबको दिख रहा है, साइक्लो दिख रहा है सबको, साइक्लो। अब ये बाई साइक्लो, दिस एंड दिस इज अ ब्रिज कार्बन, दिख रहा है बाई साइक्लो ब्रिज कार्बन, ये ब्रिज कार्बन सबको दिख रहा है, ऑब्जर्व करना सब लोग, ध्यान देना। अब क्या बोलेंगे,
कितनी रिंग है? अभी भी बाई साइकिल ही कहते हैं अभी भी बाई साइकिल ही कहते हैं बेटा, ट्राई साइकिल नहीं होता, बाई साइकिल ही कहलाता है। ये ब्रिज कार्बन, दिस इज ब्रिज कार्बन एंड दिस इज ब्रिज कार्बन, देख रहे हैं? ये ब्रिज कार्बन, दिस इज ब्रिज कार्बन, सबको दिख रहा है? ठीक है, अब ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री रहेगी इसकी, इसकी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होनी चाहिए। अगर ये, हाँ ये sp2 नहीं हो सकता, क्यों? अगर ये sp2 होगा तो प्लेनर, प्लेनर मतलब ये रिंग इसमें चली जाएगी, ये वाली रिंग इसमें चली जाएगी, ये वाली जो रिंग है ये इसमें चली जाएगी sp2 प्लेनर, प्लेनर मतलब फ्लैट, ये रिंग इसमें ओवरलैपिंग कर जाएगी। समझ में आ रहा है? ये रिंग इसमें चली जाएगी sp2 प्लेनर, ये रिंग इसमें चली जाएगी प्लेनर, sp2 प्लेनर होता है ये, तो तीन रिंग से दो रिंग हो जाएंगी, तो ये रिपल्शन करेगा, एक रिंग दूसरे में घुस जाएगी, तो रिपल्शन बिटवीन द रिंग, रिपल्शन बिटवीन द रिंग, ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होगी। एक हाइड्रोजन और होगा यहाँ पर, यहाँ पर हाइड्रोजन होगा, टेट्राहेड्रल sp3 कार्बन, टेट्राहेड्रल होता है, sp2 प्लेनर होता है, पता है ना अपन को? हाँ, इसलिए मैंने बोला ब्रिज कार्बन sp2 नहीं होना चाहिए, ब्रिज कार्बन sp2 नहीं होना चाहिए। समझ में आ गया क्या? मैंने कोशिश करी थी समझाने की, होपफुली आया होगा थोड़ा थोड़ा, ठीक है। अब ध्यान से देखो, यहां पर अगर कंपेयर करते हैं सिबिलिटी के, कार्बोकेटन दिया हुआ है, एक ब्रिज हेड पर है, ब्रिज हेड sp2 हो गया, और एक ब्रिज हेड नहीं है, तो कौन ज्यादा स्टेबल होगा? बी इज मोर स्टेबल देन ए। ब्रिज sp2 नहीं होना चाहिए, ब्रिज कार्बन sp2 नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर बात करते हैं, देखना ध्यान, व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ नाइट्रोजन इन द गिवन स्ट्रक्चर, हमको दिख रहा है लोन पेयर सिंगल बॉन्ड पाई बॉन्ड, कंजुगेशन दिखता है, लोन पेयर पाई बॉन्ड कंजुगेशन दिखता है सबको, लोन पेयर सिंगल बॉन्ड पाई बॉन्ड कंजुगेशन दिखता है सबको, लोन पेयर सिंगल बॉन्ड पाई बॉन्ड कंजुगेशन दिखता है, लोन पेयर सिंगल बॉन्ड पाई बॉन्ड कंजुगेशन दिखता है, कंजुगेशन हुआ, रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाया, ध्यान देना रेजोनेंस कराया, जैसे ही मैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाता हूं, ऑब्जर्व ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज, यहां आ गया डबल बॉन्ड। अब ध्यान देना, नाइट्रोजन ने लोन पेयर दिया, कैसा चार्ज? पॉजिटिव, हाँ जी, क्या कहते हो, पॉसिबल है क्या? अरे बोलो ना, पॉसिबल है क्या? अरे बोलो ना, पॉसिबल है क्या? चलो नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन बताओ, यहां पर शाबाश sp2, ब्रिज एटम कैन नॉट बी sp2, इसका मतलब दिस इज लोन पेयर इज लोकलाइज्ड लोन पेयर, ये स्ट्रक्चर जो बनाया है गलत है, नो रेजोनेंस, कोई रेजोनेंस नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर रेजोनेंस हुआ तो ये स्ट्रक्चर बन जाएगा, कैसा बन जाएगा? अनस्टेबल। रेजोनेंस से स्टेबिलिटी गेन करता है या अनस्टेबल होता है? रेजोनेंस से स्टेबिलिटी गेन करता है या अनस्टेबल होता है? हाईली अनस्टेबल हो गया, ब्रिज एटम sp2 हो गया हाईली अनस्टेबल, तो इसका मतलब ये स्ट्रक्चर कभी नहीं बनना चाहिए। अब जो स्ट्रक्चर कभी नहीं बनना चाहिए तो क्यों बनेगा? ठीक है, इसलिए ये लोन पेयर क्या कहलाएगा? लोकलाइज्ड लोन पेयर। विजेश, क्या समझ में नहीं आया? मैंने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाया वो समझ में नहीं आया, या एटम का हाइब्रिडाइजेशन निकालना समझ में नहीं आया, या स्ट्रक्चर समझ में नहीं आया? हाँ विजेश, क्या समझ में नहीं आया? मतलब मैं, मुझे समझ में ये नहीं आया कि क्या समझ में नहीं आया, क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि आप जब नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन निकालते हो तो sp2 हो रहा है,
और ब्रिज एटम अभी आपको सिखाया जस्ट पीछे ब्रेड जूल कहता है ब्रिज एटम sp2 नहीं होना चाहिए, क्योंकि जैसे उसने रेजोनेंस करा तो नाइट्रोजन जो है वो sp2 हो गया। जैसे लोन पेयर ने रेजोनेंस किया नाइट्रोजन एटम sp2 हो गया और नाइट्रोजन एटम इज अ ब्रिज हेड एटम। कार्बन की जगह नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन चार बॉन्ड बना रहा है, क्या पाई बॉन्ड को हाइब्रिडाइजेशन में काउंट करते हैं वैभव? क्या पाई बॉन्ड को हाइब्रिडाइजेशन में काउंट करते हैं वैभव? तो आपने कैसे हाइब्रिडाइजेशन निकाला? बिल्कुल मैं आपको ब्रेक दे देता हूं, है ना, लेकिन मुझे ये तो समझा दो, ये समझ में आया कि नहीं आया? आधा अधूरा क्यों छोड़े इसको, है ना? तो बेटा इसलिए मैंने बोला नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो गया। अब अगर नाइट्रोजन का हाइड्रोजन sp3 से sp2 हो गया तो क्यों वो एटम अपना हाइब्रिडाइजेशन बदलेगा, sp2 में क्यों जाना चाहेगा? इसीलिए हमने बोला कि ये लोकलाइज्ड लोन पेयर है, कंजुगेशन दिखता है लेकिन रेजोनेंस नहीं है, दिखता है लेकिन रेजोनेंस नहीं है, क्योंकि जैसे स्ट्रक्चर बना अनस्टेबल हो गया। समझ में आया ना? अभी चलो ये हाइपर कॉन्जुगेशन पॉसिबल है क्या ये बताओ। ये हाइड्रोजन यहां पर है और यहां पर ये एक तो हाइड्रोजन है, आप इसको अल्फा बोलोगे। ब्रेड जूल कंप्लीट कर लेते हैं, दो मिनट रुक जाओ। ये अल्फा है आपके रेस्पेक्ट में, ये अल्फा है, लिखो इंपॉर्टेंट पॉइंट, ब्रिज हाइड्रोजन Does not take part in hyperconjugation. देखो, bridge hydrogen does not take part in hyperconjugation. Bridge hydrogen does not take part in hyperconjugation. Bridge hydrogen cannot take part in hyperconjugation. Bridge hydrogen cannot take part in hyperconjugation, क्योंकि अगर यह hyperconjugation करेगा तो उस केस में यह ब्रिज एटम sp2 हो जाएगा और ब्रिज एटम cannot be sp2 hybridized. sp2 unstable हो गया, तो ब्रिज एटम कैन नॉट टेक, ब्रिज हाइड्रोजन डज नॉट टेक पार्ट इन हाइपर कॉन्जुगेशन। एच इफेक्ट में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो अगर मुझे स्टेबिलिटी की बात करें तो यहां दो अल्फा हाइड्रोजन हाइपर कॉन्जुगेशन कर रहे हैं, इसका मतलब मैं कह सकता हूं बी इज मोर स्टेबल देन ए, क्योंकि बी में एच इफेक्ट है, टू अल्फा एच हाइपर कॉन्जुगेशन कर रहे हैं। समझ में आ गई बात, हाइपर कॉन्जुगेशन समझ में आया कैसे करा हाइपर कॉन्जुगेशन? समझ में आ गया? भागना है हमको ना। चलो ठीक है ठीक है ठीक है, गॉड ब्लेस यू, ऑल द बेस्ट टू यू, बाय बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्णा।